हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे घर पर। तो क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, इस बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा ये पार्ट वन होगा एनवायरनमेंट चैप्टर का, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे। किस एनवायरनमेंट की किस कैटेगरी का क्या मतलब है, उसमें कौन से जीव जंतु आते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है। जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे बगल में ये ग्रीन बोर्ड है, ऊपर की तरफ खुला आसमान है, साइड में हवाएँ हैं, पेड़ है, पौधे हैं, ये सारा चीज़ मेरा एनवायरनमेंट है एट द प्रेजेंट सिचुएशन। आप अभी घर पर बैठे अपने वीडियो देख रहे होंगे तो आपके छत के ऊपर, आपके सिर के ऊपर में पंखा होगा, सामने में हो सकता है कूलर हो, इधर टीवी हो, आप बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, काउच पे बैठे हो, तो वो आपका एनवायरनमेंट है। द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इन, द सराउंडिंग्स यू आर विथ इज नोन एज योर एनवायरनमेंट। अर्थ का एनवायरनमेंट को हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर हम चारों हिस्सों को लिखें तो इट विल कम बायोस्फीयर, then is hydrosphere, the third one is lithosphere, and the fourth one is atmosphere. Now biosphere क्या है, hydrosphere क्या है, lithosphere क्या है, and atmosphere क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर द बायोस्फीयर, द लिविंग जोन, ऑल द लिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि ये तीनों चीज़ों को मिला के जो जोन बनता है दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर। सेकेंडरी व्हेन वी कम टू हाइड्रोस्फीयर, ऑल द वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ लाइक सी, रिवर्स, लेक्स, वेल्स, पॉन्ड, या आपके घर पे भी जो पानी है ये सारा पानी इंक्लूड होके हाइड्रोस्फीयर की ही कैटेगरी में आता है। थर्ड इज द लिथोस्फीयर, आपका घर जहाँ पर बना हुआ है, मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये बोर्ड जहाँ पर है, ये बिल्डिंग जहाँ पर है, आपका स्कूल जहाँ पर है, ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर यानी कि लैंड जोन में आती हैं। फाइनली इज द एटमोसफियर, द एयर आई एम ब्रीदिंग इन, यू आर ब्रीदिंग इन, जो सर के ऊपर से पंखे से हवा आ रही है, आर्टिफिशियल हवा ही हो, आपके आस पास जो जानवर है, आप कि जो अगल बगल में आपके एनवायरनमेंट है हवा का, एयर का, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। आपको बताया कि चार जोन्स होते हैं और चार जोन्स के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस होते हैं। तो आपने जैसा मैंने वीडियो में शुरू में बताया है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर का डेफिनेशन क्या है, लिथोस्फीयर का क्या है, एंड एटमॉस्फेयर का क्या है। ऑल द सराउंडिंग बॉडीज अराउंड अस ऑल टुगेदर कंबाइंड इज नोन एज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के चार डिवीजन है, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मींस एयर, लिथोस्फीयर मींस लैंड, हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर, एंड ऑल दीज थ्री टुगेदर कंबाइंड विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज biosphere. If you are confused, let me write it on the board that hydrosphere means all the water bodies, lithosphere means the land bodies, atmosphere means the air around us, and all these three things combined together is known as biosphere. If this is clear, then we shall move to the next video. In today's video, we have learned about these things. Please note down these things in your notebooks. Prepare a new notebook and please ask if any queries in the comment box. That's all for today's video. Thank you. Jai Hind.